नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचिन है और स्वागत करता हूँ मैं आपका प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। MBSI इंग्लिश के वीडियो सीरीज़ के 14वें लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी परफेक्ट टेंस की, इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। यदि हम बात करें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो ऐसा टेंस अब थोड़ा सा मिलता जुलता, आपने शब्द सुना है, परफेक्ट भी सुना है, कंटीन्यूअस सुना है, आज दोनों को मिला के आप सुन रहे हो परफेक्ट और कंटीन्यूअस। तो क्या है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कंटीन्यूअस टेंस के जैसे ही है, बस इसमें टाइम ऐड हो जाता है, क्या होता है इसमें प्रोग्रेसिव एक्शन प्लस टाइम। जब आपको कोई काम होता हुआ दिखाई दे और उसमें उस काम के होने का समय भी बताया जाए कि वो काम कब से हो रहा है। यदि मैंने आपको पहले बताई थी कि यदि कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और यदि कोई काम हो रहा है और उसमें समय भी मेंशन किया गया वो किस समय से चल रहा है, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत रखेंगे। यदि हम बात करें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है परफेक्ट और कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है हमारा टेंस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका हो गया परफेक्ट और दूसरा कंटीन्यूअस। परफेक्ट और कंटीन्यूअस कैसे मिलके बना है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब यदि मैं इसके बारे में बात करूं, तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों टेंस से मिलके ये बना है परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके पहले अभी मैंने आपको बात बताई, यहाँ पे आपको कोई काम कंटीन्यूअसली होता हुआ दिखाई देगा और इसमें उसका समय मेंशन किया जाएगा कि वो कब से वो काम चल रहा है। अब मैंने अगली बात आपसे ये की, इसका जो नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो कुछ इस प्रकार से पढ़ा कि इसमें काम परफेक्ट भी रहता है और कंटीन्यूअस चलता भी है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बोलूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें काम कंटीन्यूअस चल रहा है, तो ये कंटीन्यूअस टेंस का हो गया, ठीक है। और यदि मैंने बोला मैं आपको एक महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसमें समय भी जुड़ गया, काम कंटीन्यूअस चल रहा है, समय जुड़ गया, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब इसमें ये वाली डेफिनेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों कैसे होंगे। मैं आपको एक महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया कितना, 30 days, मतलब 1 month, ठीक है, 30 days हमारे हो गए। और इसके बाद यहाँ पे अभी काम चल रहा है, यहाँ पे अभी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक 30 days, इतना काम तो मेरा कैसा हो गया, परफेक्ट पूरा हो गया है। और यदि आपको काम पूरा होता हुआ दिखाई दे, तो पिछले सेशन में ही मैंने बताया था वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस हमारा होगा परफेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ आप देख सकते हो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये काम चल रहा है कंटिन्यू, जहाँ आपको काम कंटिन्यूसली चलता दिखाई दे, तो वो टेंस कौन सा होता है, वो टेंस हमारा कंटिन्यूस होता है। तो इस तरीके से ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई अलग से टेंस नहीं है, दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। वो टेंस कौन कौन से हमारे, परफेक्ट और कंटिन्यूस, इस कारण से इसका नाम हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम। अब यदि हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, इसके स्ट्रक्चर को याद कैसे करें। तो गलती तो यही होती है ना, आपकी अप्रोच ही गलत है, आप उसको याद कर क्यों रहे हो, जब याद करने वाली चीज़ वो है ही नहीं तो याद क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, आपको याद रखना है सिर्फ ये फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको ये 4 elements याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना आपको पता। अब यदि हम इसका
स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश करूं, सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट, चलिए बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब की जब बात आ रही है, जब हेल्पिंग वर्ब की यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। आपको एक चीज और याद आ रही होगी, परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो एक वर्ब होती है बी, एक वर्ब कौन सी होती है बी, इसका थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, इतनी हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब परफेक्ट तक की तो बात हमने कर ली, इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब कभी भी, और मैंने बताया था आपको, जब कभी भी पूरे इंग्लिश में आपको काम कंटिन्यूअसली होता हुआ दिखाई दे, तो आप वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, आप वहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओगे। तो यहां पे मैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देता हूं, चलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर हो गया। चलिए मैं देख लेते हैं यहां पर हमने क्या क्या कर लिया, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस बीन हो गई, मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हो गया काम, हो गया। अरे नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि अब ये तो कंटिन्यूअस ही के जैसे काम कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर किस एलिमेंट का है, अंतर है समय का, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम लगातार होता हुआ दिखाई देता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम लगातार होता हुआ दिखाई देता है, साथ ही साथ हम उसमें समय भी बताते हैं कि वो कब से चल रहा है। तो जब आपको समय जोड़ना है, तो समय को जोड़ने के लिए हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर, और उन प्रपोजिशन से हम समय को जोड़ देते हैं, हम उनसे टाइम को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इनके एनालिसिस की बात करते हैं, हम इनके एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले आया आपका सब्जेक्ट आ गया, चलिए फिर हमें चाहिए थे हेल्पिंग वर्ब, तो आपका परफेक्ट है, हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लिया हमने, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज हैव बीन। अब आपका परफेक्ट की तो हमने शर्त पूरी कर ली, सब्जेक्ट हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हमेशा कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ओके। तो मेन वर्ब भी हमारी पूरी हो गई, तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर ये रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, हमें टाइम को डिनोट करना है, तो टाइम को डिनोट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, सिंस और फॉर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, कैसे बनाया मैंने एक बार फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट की मैंने सब्जेक्ट रख दिया। अब टेंस हमारा कौन सा है, टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट में हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज ए हैव, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, हैज ए हैव मैंने हेल्पिंग वर्ब ली, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी एक वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म बीन, तो हैज और हैज है प्लस बीन ये हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर मेन वर्ब, अब चूंकि ये टेंस कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम मेन वर्ब के तौर पे कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं, तो यहां भी मैंने वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे ले लिया, ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट। फिर इसमें अलग से एलिमेंट क्या है, अलग से एलिमेंट टाइम है, तो टाइम को जोड़ने के लिए हमने सिंस और फॉर लगा दिया, सिर्फ इतना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती रहेंगी, यदि आप पास्ट में मनाना है तो हैड, और बीन आपका है ही, हैड बीन हो जाएगा। यहाँ पे विल या सेल हैव लग जाएगा, विल या सेल हैव प्लस बीन, इतना आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है, तो आपका वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वही है, सब्जेक्ट है हैज है प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो अब यहाँ पे आपको दो डाउट आते हैं, आपको दो डाउट कौन कौन से आते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगाएं, और सिंस और फॉर की ये जो समस्या है सर, इसका समाधान कर दीजिए, बहुत विकट समस्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको तो मैंने आपको कल ही बताया था,
पिछले सेशन में मैंने आपको बताया है, तो इसमें तो सिर्फ जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यदि आपको बहुत ज़्यादा ना समझना हो तो सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें क्या जोड़ देना है, उसमें हमें बीन जोड़ देना है। उसमें क्या जोड़ देना है, उसमें हमें बीन जोड़ देना है, तो हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब इसके बारे में मैंने बताया था कि हैज आप लगाओगे किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाओगे इसके साथ, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड लगाओगे तो इकलौता ही है, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हुई तो हैड बीन आपका सबके साथ लग जाएगा। अब सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, अब ये तीन अक्षरों की हेल्पिंग वर्ब हो रही है, आप ध्यान रखना, सेल हैव बीन लगेगा किसके साथ, आई और वी के साथ, और विल हैव बीन लगेगा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, फ्यूचर की यदि बात हो तो। इतना हमारा हेल्पिंग वर्ब तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंस और फॉर की। यदि हम बात करें सिंस की, तो सिंस लगता है हमेशा किसके साथ, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। सर आप अब बात ऐसी लग रही होगी, सर आप क्या बात कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, हम कब आज़ाद हुए, बेस्ट एग्जांपल, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। किसी कॉन्सेप्ट को यदि आपको याद करना हो तो किसी एग्जांपल को आप याद कर लिया करो, लंबे समय तक आपके दिमाग में वो रिटेन करेगा। चलिए, तो हम आज़ाद कब हुए, हम आज़ाद हुए भाई साहब 1947 में, ठीक है, हम आज़ाद हुए 1947 में। आज क्या है, आज है हमारा 2020, ठीक है। चलिए, इतना लंबा टाइम हो गया, इतना लंबा जो टाइम हो गया वो कितने साल हो गए, 73 ईयर्स हो गए, ठीक। तो यदि मुझे ऐसा बोलना है कि हम 1947 से प्रगति कर रहे हैं, हम 1947 से प्रगति कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस 1947। तो याद रखना, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब किसी समय का शुरुआती बिंदु, किसी समय का स्टार्टिंग पॉइंट या शुरुआती बिंदु, इसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने प्रगति करना कब से शुरू किया, 1947 से, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात आई तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्या लगा देते हैं, यहां पे हम लगा देते हैं सिंस, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि हम किसी भी काम के शुरुआती बिंदु की बात करें, इनिशियल पॉइंट की बात करें, तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कह देते हैं, किसी भी समय का बिंदु, तो वहां हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और जब कभी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाकर एक समय बने, आपका एक समय अंतराल बने, और उस समय अंतराल की बात करें हम, ठीक है ना, उस समय अंतराल की बात करें, उस टाइम पीरियड की बात करें, तो उसके लिए हम हमेशा फॉर लगाते हैं। जैसे 1947 आपका शुरुआती बिंदु है, वहाँ से हमने प्रगति करना शुरू किया, आज तक की बात चल रही है, तो आज क्या है 2020, तो 1947 से लेके 2020 तक 73 वर्ष हो गए। तो यदि उसी बात को मैं ऐसा कहूँ कि हम 73 वर्षों से प्रगति कर रहे हैं, हम 73 वर्षों से प्रगति कर रहे हैं, तो यहाँ शुरुआती बिंदु की बात नहीं हुई, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से मिलकर आपका एक समय अंतराल बना जो कि 73 वर्ष है। तो इसकी यदि हम बात करें, पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तो हमेशा क्या लगेगा, हमेशा आपका फॉर लगेगा। तो यदि शुरुआती बिंदु की बात करें तो सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस लगेगा, समय अंतराल की बात करें या पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फॉर लगेगा, ठीक है। आपको कई बार ऐसा पढ़ाया गया होगा कि निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित के साथ फॉर, तो मुझे भी ऐसा पढ़ाया गया था, काफ़ी डाउट में रहता था मैं कि कौन सा समय निश्चित कौन सा अनिश्चित, ठीक है। सुबह आपकी निश्चित है, मैंने कहा कैसे निश्चित है, रोज़ सुबह होती, कौन सी सुबह की बात कर रहे हो आप, ठीक है। आपने बोला 2 घंटे अनिश्चित, अरे भाई 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, क्या निश्चित है इसमें।
तो काफ़ी डाउट रहता था। आई होप मैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको डाउट नहीं रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि यदि किसी समय के शुरुआती बिंदु की बात कर रहे हो आप, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, तो वहाँ सेंस लगेगा। और यदि किसी समय अंतराल की बात कर रहे हो, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से मिलकर आपका एक समय अंतराल बनेगा, तो उसकी बात कर रहे हो तो आप फॉर लगाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगली बात आती है लास्ट प्लस टाइम। यदि किसी भी समय के पहले लास्ट जुड़ जाए, यदि किसी भी समय के पहले लास्ट जुड़ जाए, या हिंदी में बात करूं मैं, किसी भी समय के पहले पिछला जुड़ जाए, जैसे पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछला घंटा, ठीक है, लास्ट मिनट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो किसी भी समय के बाद, किसी भी समय के पहले, सॉरी, लास्ट जुड़ जाए तो वहां क्या लगेगा, वहां सेंस लग जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बहुत आसान चीज बताने वाला हूं। हम सब ने लाइफ में एप्लीकेशन लिखी, हम सब ने एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट किया कब, स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में जब आपने एप्लीकेशन लिखी तो पहली जो एप्लीकेशन थी वो काहे की थी, वो थी सिक लीव की। उसमें हम क्या लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वेरी गुड, सही बोला। तो लास्ट प्लस नाइट, लास्ट नाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहीं भी यहां लिखी देता हूं, जैसे मैंने बोला लास्ट नाइट, नाइट की जगह यहां मैं ईयर लिख दूं, लास्ट मंथ लिख दूं, तो कुछ भी लिख दूं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे ही हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे हमेशा, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, ठीक। लेकिन लेकिन यदि किसी समय और लास्ट के बीच में, यदि किसी समय और लास्ट के बीच में कोई संख्या आ गई, क्यों, कोई न्यूमेरिक एडजेक्टिव आ गया, यदि किसी समय और लास्ट के बीच में कोई संख्या आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम फॉर का यूज करेंगे। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, नेशनल लेवल के एग्जाम्स जो बैंकिंग के होते हैं, एसएससी के होते हैं, उनमें आता है, और हमेशा बच्चे का गलत करके आते हैं। इसको बहुत आसानी से हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला वह पिछले महीने से मैदान में दौड़ रहा है, वह पिछले महीने से मैदान में दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, ही हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस लास्ट मंथ। यदि मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से मुझे बोलना है कि वह पिछले 4 महीने से मैदान में दौड़ रहा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए, ही हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड, लेकिन पिछले 4 महीने, पिछला लास्ट मतलब पिछला, और महीने समय हो गया, उसके बीच में क्या आ गया, 4, जो कि संख्या है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, फॉर। तो फॉर लास्ट 4 मंथ्स। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि किसी भी समय के पहले पिछला आ जाए तो सिंस लगाएंगे, और उस समय और पिछला के बीच में यदि संख्या आ जाए तो हम फॉर लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है नेम ऑफ टाइम, किसी भी समय का नाम। यदि आप किसी भी समय के नाम की बात कर रहे हो तो उसके पहले हमेशा हम सिंस लगाते हैं। जैसे दिवाली त्योहार का नाम है, मैंने बोला सुबह दिन के पहर का नाम है, यदि मैंने बात की जनवरी तो महीने का नाम है, यदि मैंने बोला शुक्रवार दिन का नाम है। तो जब कभी भी आप टाइम के नाम की बात करोगे तो हमेशा आप सिंस लगाओगे। आप सिंस कब लगाओगे, जब कभी भी टाइम के नाम की बात करोगे। ओके, तो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट मैंने सिंस के बताए और 2 कॉन्सेप्ट फॉर के बताए, 3 कॉन्सेप्ट सिंस के और 2 कॉन्सेप्ट फॉर
फॉर के बताए हैं, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान दे लीजिए सिंस के और फॉर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। यदि आप किसी भी समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, जिसको हमने पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, एग्जाम्पल के लिए आप 1947 याद रख सकते हो, ओके। यहाँ पे यदि हम बात करें फिर आखिरी जो शुरुआती आपका समय है और आखिरी समय है उससे मिलके आपका एक समय अंतराल बना, उससे मिलकर यदि आपका एक समय अंतराल बना तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा आप क्या लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर लगाओगे। यदि किसी भी समय के आगे लास्ट लग गया, किसी भी समय के आगे लास्ट लग गया तो आप सिंस लगाओगे। यदि समय और लास्ट के बीच में कोई संख्या आ गई तो फॉर लगाओगे। किसी भी समय का नाम आ गया, जैसे कि मंगलवार दिन का नाम है, मैंने बोला फरवरी महीने का नाम है, 2015 साल का नाम है, तो इस तरीके से इन सब के पहले आप सिंस लगाओगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो इतनी बार हम सेंटेंस बना चुके हैं और आज तो टेंस का लास्ट डे है, तो इसमें आप देखो सिर्फ नॉट लगाना है, आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है वो कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है, तो परिवर्तन हमेशा पहले शब्द से किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट लगना हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नॉट कहाँ लगेगा, पहले शब्द के बाद। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और पास्ट में दो शब्दों की है, हैज बीन या हैव बीन, पास्ट में देखा जाए तो हैड बीन, और हम बात करें यदि फ्यूचर की यहाँ तो हद ही हो गई, यहाँ तो भाई साहब तीन शब्दों की, सेल हैव बीन या विल हैव बीन, तीन शब्दों की है। तो नॉट आपको कहाँ लगाना है, नॉट लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी रखनी है, नॉट कहाँ लगाना है, पहले शब्द के बाद। तो किस तरीके से हो जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, सेल नॉट हैव बीन, सेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ओके। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, एक बात मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भूल गया कि फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस में आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस में आप सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे, सिंस की जगह आप फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। आप कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि आपने स्कूल लाइफ में ऐसे ही पढ़ा है, डोंट वरी मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन सिंस आपका एक ऐसा प्रपोजिशन है जो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों। जैसे मैंने बोला हम 1947 से प्रगति कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ठीक, लेकिन 1947 तो भाई साहब कहाँ है, पास्ट में है ना, भूतकाल में, बहुत पहले की बात है ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आपको कहाँ मिला, आपको मिला पास्ट में, इस कारण से हमने सिंस इस्तेमाल किया। अब ये थे, इसी तरीके से मैंने बोला कि वह 1990 से यहाँ रह रहा था, वह 1990 से यहाँ रह रहा था, 1990 भी पास्ट में है। तो अब यदि मैं ये बोलूं कि वह 2025 से मैं जीत रहा होगा, तो यार 2025 अभी थोड़ी है, वो तो फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में आएगा। और जब भी फ्यूचर की हम बात करेंगे तो हम फ्रॉम लगाएंगे, फॉर लगेगा आपका, फॉर एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन ये सेंस नहीं लगेगा, सेंस नहीं लगेगा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो सिंस की जगह आपको कॉन्सेप्ट वही है सेम, सिंस की जगह आप फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे एग्जांपल हम बोलते भी तो हैं, आई विल गो टू क्लासेस फ्रॉम मंडे, ओके। तो हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है यहाँ पे कि जब हेल्पिंग वर्ब आपकी दो या दो से अधिक शब्दों की मिलके बने, तो आप क्या करोगे, आपको आफ्टर फर्स्ट वर्ड
आफ्टर फर्स्ट वर्ड आपको नॉट लगाना है. नॉट आपको कब लगाना है? आफ्टर फर्स्ट वर्ड. जो आपका पहला शब्द हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे शैल या विल हो, इसके बाद आप नॉट लगा दोगे. इसके बाद यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो फिर वही सावधानी आपको रखनी है. क्या? ये आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है सब्जेक्ट के. हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के आगे लेके आनी है, ठीक है ना? तो ये आगे आ गई. और फुल स्टॉप की जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी आगे आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी आगे आएगी तो वो क्या रहेगा? वो आपका पहला शब्द बस रहेगा जो कि आगे आएगा, बाकी आपका पीछे छूट जाएगा. जैसे जैसे दुल्हन भाई साहब आती है मायके से, दुल्हन अकेली आती है ना, ठीक है ना, पूरा घर बार तो लेके आती नहीं. तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को आप दुल्हन समझ लो कि बारात में तो सब रहते हैं शादी के टाइम पे, लेकिन ये दुल्हन है जो एक शब्द बस है वो आगे आ जाती है, बाकी सब रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं. तो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे आपका हैड, हैड आगे आ गया, हैज आगे आ गया, हैव आगे आ गया, सेल या विल भी आगे आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना कि सिर्फ एक शब्द आगे आ सकता है और बाकी बचे शब्द सब्जेक्ट के पीछे छूट जाएंगे. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी दो शब्द की है, प्रेजेंट में और पास्ट में, हैड बीन, हैज बीन या हैव बीन. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब तीन शब्द की है. आपकी तीन शब्द की है, सेल, हैव बीन, विल हैव बीन. तो आप क्या करोगे? सेल और विल को बस आगे लेके आओगे, हैव बीन आपका पीछे रह जाएगा, हैव बीन आपका पीछे रह जाएगा. ओके इसके बाद यदि हम बात करें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यदि हम बात करें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना काफ़ी आसान होता है. इसमें हमें सिर्फ इतना करना होता है कि ये जो सिंगल इंटरोगेटिव है, ये जो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है, इसके आगे हमें क्या करना है? इसके आगे हमें डब्ल्यू एच वर्ड्स जोड़ देने हैं. सिंगल इंटरोगेटिव के जस्ट आगे हमें डब्ल्यू एच वर्ड्स जोड़ देने हैं. इतना तो मैंने आपको अब भी बताया, इसके जस्ट आगे आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स जोड़ देने हैं. जैसे मुझे बोलना है कि डॉक्टर डॉक्टर मरीजों का इलाज 15 दिनों से क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर मरीजों का इलाज 15 दिनों से क्यों कर रहे हैं. तो जैसे हिंदी में क्यों एक ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो वैसे इंग्लिश में आपका डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा वाई. डॉक्टर इलाज क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर ज्यादा है तो हैव लगेगा, वाई हैव डॉक्टर्स बीन. इलाज करने के लिए वर्ब होती है आपकी ट्रीट. किसका इलाज कर रहे हैं? पेशेंट्स का. कितने दिनों से कर रहे हैं? 15 दिनों से, फॉर 15 डेज. अब यहां पे आपको एक जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है, यहां पे एक चीज याद रखो. हाँ, पेशेंट की स्पेलिंग अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, याद रखना पी ए टी आई ई एन टी. पेशेंट की जो हमारी स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? पी ए टी आई ई एन टी. अब यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर का इस्तेमाल किया, मैंने फॉर का इस्तेमाल किया. फॉर का इस्तेमाल क्यों किया? 15 दिन है, तो 15 दिन क्या है भाई साहब? पीरियड ऑफ टाइम है. 15 दिन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है. तो इस कारण से मैंने फॉर का इस्तेमाल किया. यदि यही सेंटेंस मैं ऐसा बोलूं कि डॉक्टर सुबह से मरीजों का इलाज क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर सुबह से मरीजों का इलाज क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बाय हैव डॉक्टर्स बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स. सिंस मॉर्निंग. अब यहां पे एक चीज आपको देख सकते हो,
यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे सिंस आया. सिंस क्यों आया? सिंस इसलिए आया, सिंस इसलिए आया क्योंकि ये मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग क्या है? नेम ऑफ टाइम, दिन के पहर का नाम है, दिन के पहर का नाम है. इस कारण से यहाँ पे हमने क्या लगाया? इस कारण से यहाँ पे हमने सिंस लगा दिया. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ये स्ट्रक्चर तो आपको आ गया होगा, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं. तो आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अब तीन शब्दों की हो गई यहाँ पे फ्यूचर में, और यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट में दो शब्दों की, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है. गलती सिर्फ आप दो जगह कर सकते हो. यहाँ पे गलती करने के चांस पहला तो है जब आप ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करो, दूसरा यहाँ जब सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हो. ओके, तो दोनों जगह यदि आपसे गलती ना हो तो सेंटेंस में आपसे गलती नहीं होगी. अब हम बात करें यदि दूसरे टाइप की, तो दूसरे टाइप में क्या होता है? दूसरे टाइप में आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है. अभी ऑब्जेक्ट कब आगे आता है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है कई बार, कैसे पांच डब्ल्यू एच वर्ड, ऐसे पांच डब्ल्यू एच वर्ड जो कि कौन कौन से हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, विच टाइप ऑफ और हुज, ये ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है. इनके साथ ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है. तो यदि मुझे ये बोलना है, यदि मुझे ये बोलना है कि डॉक्टर सुबह से कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर सुबह से कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो अब एक चीज़ को आप खुद एनालाइज कीजिए, कितने शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कितने शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मरीज जुड़े हुए हैं, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी के साथ क्या जुड़ जाएगा, पेशेंट्स जुड़ जाएगा. ओके, तो बनाता हूं मैं सेंटेंस. आपका डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? हाउ मैनी. ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा पेशेंट्स है, जो कि हाउ मैनी पेशेंट्स हैव डॉक्टर्स. अब सब्जेक्ट चाहिए आपको, हैव डॉक्टर्स बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ट्रीटिंग सिंस मॉर्निंग. जो डॉक्टर हैं वो सुबह से कितने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा. ये आगे किन के साथ आएगा? ये पांच ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिनके साथ ही ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा. हर एक टेंस में मैंने कॉन्सेप्ट सेम ही बताए हैं, हर एक टेंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सेम बताए हैं. चेंज आता है तो सिर्फ किस में आता है? चेंज आता है इस हेल्पिंग वर्ब में और इस मेन वर्ब में. तो टेंस जो पूरा खेल है, टेंस जो पूरा खेल है वो किसका है? टाइम ऑफ एक्शन. टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन. यदि आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सही तरीके से यूज़ करना सीख लिया तो कॉन्सेप्ट तो सेम है. मैंने हर एक टेंस में कॉन्सेप्ट आपको सेम ही बताया है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता. ओके, तो आपको याद रखना है किसको? हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को. तो चलते हैं हम अपने अगले टाइप पर. अगला और जो लास्ट टाइप है हमारा वो क्या है? हु से जब आपको क्वेश्चन करना हो, जब क्वेश्चन आपको हु से करना हो तो हम क्या करते हैं? जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की जगह हम हु लगा देते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम हु लगा देते हैं, और फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. सब्जेक्ट की जगह हम हु लगा देते हैं और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. अब ये वाला फॉर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाकी दो स्ट्रक्चर का हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बाकी दो स्ट्रक्चर्स में आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपके पास सब्जेक्ट होता है, लेकिन हु जो क्वेश्चन करता है वो हु का आंसर ही सब्जेक्ट होता है, हु का आंसर ही सब्जेक्ट होगा. यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो फिर हु से क्वेश्चन आप करोगे कैसे? इस कारण से बाकी दो स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन नहीं बन सकता. तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हु लगा दोगे आप और बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का है हमने पढ़ा है. ठीक है, यदि मुझे ये बोलना है कि सुबह से मरीजों का इलाज कौन कर रहा है,
सुबह से मरीजों का इलाज कौन कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले हु कौन कर रहा है, हैज बीन। याद रखना, जब कभी भी आप हु का इस्तेमाल करो तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। आपको किसका इस्तेमाल करना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को देखिए डिटरमाइन कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब को डिटरमाइन करता है सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने सेंटेंस बोला, हिंदी में आप सुनिए उसको, सुबह से मरीजों का इलाज कौन कर रहा है? सुबह से मरीजों का इलाज कौन कर रहा है? यहां भी तो मैं सिंगुलर सेंस में ही बोल रहा हूं, तो इस तरीके से आपको सिंगुलर सेंस में ही इस्तेमाल करना है। हु हैज बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। जो अफर्मेटिव है उसमें बस सब्जेक्ट की जगह मैंने हु लगाया और कोई चेंज नहीं किया, फुल स्टॉप की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट बड़ी क्लियरली समझ गए होंगे। और आपको ज़रूरत है एक रिवीजन की, यदि आप रिवाइज करते रहते हैं तो हमेशा चीज़ें आपको क्लियर रहती हैं। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है? आपको दो और दो चार सोचने नहीं पड़ते। यदि आपसे कोई पूछता है दो और दो, फट से आपका दिमाग कह देता चार। क्यों? क्योंकि इस टाइम उसने कैलकुलेट नहीं किया, इस टाइम उसको पता है यार दो और दो चार होते हैं, पिछली बार होते तो इस बार 3.5 या 4.5 थोड़ी हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, जब ये स्ट्रक्चर्स हैं, जब मैं सेंटेंस बनाता हूँ तो अब मुझे इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं पड़ती, आप सोचिए थोड़ा सा हिंदी के बारे में सोचिए। इंग्लिश आपको टफ क्यों लगती है, हिंदी सरल क्यों लगती है? जब आप कभी बोलते हो कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा, फिर उसके बाद कभी सोचते हो कि है हूँ हैं, सोचते हो कभी? कभी नहीं सोचते हो, आप बोल देते हो, क्योंकि वो चीज़ आपने लाखों बार लाखों करोड़ों बार आपने बोली हुई है, इस कारण से आपको कभी डाउट नहीं लगता। लेकिन इंग्लिश को आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर रटते हो। पहले तो यदि मान लो आपको नहीं बोलना है, मान लो आपने ये बिल्कुल पकड़ के बैठ गए जिद कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी, सिर्फ लिखना है और हमें कॉम्पिटिटिव जो अपना पोर्शन है उसको कवर करना है, तो ग्रामर भी यदि आपको करनी है तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, तरीका बताया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उससे रिलेट करके आप बना सकते हो। लेकिन यदि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज के तौर पर आप इस्तेमाल करते हो तो बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हो। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कल मैं आपको इसका एक कंपैरेटिव वर्जन बताऊंगा, हमारे जो पूरे 12 टेंसेस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं डिफरेंट क्लासेस में, तो उन पूरी टेंसेस को मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा, एक डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि एक दूसरे से वो कैसे कितने अलग हैं, ठीक है? दूसरों में समानता क्या है, दूसरों से अंतर क्या है, ठीक है? तो अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।